गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज मैं पैसिफिक मॉल आया हूँ। ये रोहिणी पीतमपुरा की वेरी क्लोज है, रजौरी गार्डन वाला पैसिफिक मॉल नहीं है ये। ये आप NSP नेताजी सुभाष प्लेस पर आप आओगे, मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरोगे तो वजीर ये उस रोड पर है जहाँ से हम शालीमार बाग की तरफ जाते हैं, टर्न करते हैं। अगर आप NSP उतरोगे ना तो वहाँ से आपको लेफ्ट होना है। शालीमार बाग की तरफ अगर आप जाते हैं तो लेफ्ट होते ही, लेफ्ट टर्न करते ही पेट्रोल पंप से पहले पहले ही आपको पैसिफिक मॉल दिखाई देगा। पंजाब केसरी का ऑफिस भी है सामने वजीरपुर में, तो वहाँ पर है ये, उसके सामने ही है पंजाब केसरी का ऑफिस। तो ये क्योंकि नया बना है और काफ़ी मैंने सुना है इसके बारे में कि ये हमारे रोहिणी के मॉल्स को भी फेल करने वाला है, क्योंकि रजौरी गार्डन का पैसिफिक मॉल काफ़ी अच्छा चलता है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ, फिर आपको बताऊँगा मैं। और हो सकता है कुछ वीडियो मेरी म्यूट होकर आएँ, क्योंकि कई बार कुछ स्टॉल्स वाले बोलने नहीं देते, वो अपने जबकि उनकी तो एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है फिर भी वो बोलने नहीं देते। माई डियर, सबसे पहले तो मैंने सबसे इनकी मैनेजमेंट से बात कर ली है कि मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और बोलूंगा भी ज़रूर, आप मुझे नहीं रोकोगे। तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने से। तो चलिए, मैं पैसिफिक में एंट्री कर चुका हूँ मैं अब। तो आपको मैं बता दूँ, फूड कोर्ट यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है, एक बोट मतलब बेसमेंट भी है, इसमें मैं ग्राउंड फ्लोर पर हूँ। और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर पूरी ये शोरूम्स आप देख रहे हो, छोटे छोटे जो शोरूम्स हैं, सभी तरह के शोरूम्स हैं यहाँ पर। और बाद में मैं एनालिसिस भी करूँगा कि रजौरी गार्डन वाला अच्छा है या यहाँ वाला अच्छा है। ऑलमोस्ट शोरूम्स तो वही हैं, सेम ही हैं, अभी तक तो मुझे कुछ डिफरेंस दिखाई दिया नहीं है। फूड स्टॉल हाँ ज़रूर यहाँ पर छोटे छोटे रेनो लगा रखे हैं, ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ का। ये क्या इसके चार्जेस क्या हैं? नहीं, नॉन चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ जो हमारा है। जो जो शॉपिंग कर रहे हैं ब्लॉगर्स के लिए, हाँ पीपल हुआ कमिंग फॉर ब्लॉग पे। अच्छा अच्छा, उनके लिए है ये। ओके ओके, तो शोरूम्स मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। प्रोडक्ट के बारे में तो देखो आपको पता चल ही जाता है, वीडियो देखकर आपको आइडिया तो हो ही जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। बाकी आना तो आपको पड़ेगा ही, खाली YouTube से बोलने से तो आप लेने आओगे नहीं, है ना? अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आपको आना ही पड़ेगा। ओनली के नाम से, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ओनली के नाम से। जैक एंड जॉन्स, इसके बारे में तो पहले भी मैं काफ़ी देख चुका हूँ मैं। और लेविस का तो हर जगह ही मिल जाता है आपको। रेरे रैबिट, लेकिन नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन काम अच्छा है या नहीं ये मुझे नहीं पता। यहाँ से मेट्रो स्टेशन के लिए भी रास्ता जा रहा है, इसका मतलब है NSP से अंदर ही लिंक्ड है। सिनेमा हॉल अभी खुला नहीं है, खुलेगा, थर्ड फ्लोर पे सिनेमा हॉल भी खुलेगा और बारबेक्यू जैसा रेस्टोरेंट भी खुलने वाला है थर्ड फ्लोर पर। क्योंकि अभी नई नई ओपनिंग हुई है इनकी पैसिफिक मॉल्स की, अभी 2 मंथ्स ही हुए हैं, तो प्रमोशन के लिए देखो इन्होंने स्पेशल इन्होंने रैप सिंगर्स ये सब बुला रखे हैं। ओ तो आप यहाँ पर डिनर के साथ साथ म्यूजिक का भी एंजॉय कर सकते हो। अब फर्स्ट फ्लोर पर मैं जा रहा हूँ, फर्स्ट फ्लोर देखते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर आपको क्या क्या मैं दिखा सकता हूँ। वैसे ये अच्छा है जो इन्होंने म्यूजिक लॉन्च कर दिया स्टार्टिंग ओपनिंग में, आप म्यूजिक का भी एंजॉय साथ साथ कर सकते हो।
जो रोमांटिक मूड में रहते हैं हमेशा, उनके लिए काफ़ी अच्छा है ये। स्टैंड मैक्स यहाँ पर भी है, तो NSP पहले वहाँ पर भी है, स्टैंड मैक्स यहाँ पर भी है, तो ऑब्वियस है यहाँ आना ज़्यादा पसंद आएगा लोगों को। मीना बाजार, वो कलर्स का भी काफी नाम सुना है मैंने, सेवी गो कलर्स। इट मीन्स जैसे लेडीज के लिए है सब। ऑक्टेव तो यार हर जगह मिल जाते हैं, कहीं भी जाओ। शुगर एंड स्पाइस के नाम से देखिए आप, ये फूड को छोटा सा फूड स्टॉल है। बाटा का शोरूम पहली बार देखा है मैंने, किसी मॉल में बाटा का शोरूम हो। क्लासिस बकलावा ये क्या चीज़ है, शायद कुछ गिफ्ट आइटम्स हो रहे हैं यहाँ पर। चॉकलेट्स हैं यहाँ पर, तो भाई मुंह में पानी आ गया है तो इनको देखकर। हालांकि मैं बहुत कम खाता हूँ, लेकिन इस तरह की तो मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है, तो आज मैं यहाँ से लेकर ही जाऊँगा। यस, प्राइस भी आप देख रहे हो, रुपये प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा है, ₹50 पर पीस प्लस GST। भाई यहाँ मेरे बेटे को तो आना बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत कुछ है खाने को यहाँ पर। ये आइटम तो मैं फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। ये पान से रिलेटेड आइटम है, इसमें पान है, आलमंड्स वगैरह हैं, और पान और इसके अंदर केसर भी है। ₹ शायद 75 पर पीस है। ये कीवी से बनी हुई आइटम है, काफ़ी अच्छा है। चलिए अब फूड कोर्ट की तरफ जा रहा हूँ मैं, ग्राउंड फ्लोर पर है ये। बेसमेंट में बनाया हुआ है फूड कोर्ट। तीन नवंबर के बाद काफ़ी कुछ बाहर भी फूड स्टॉल्स खुल रहे हैं 15 नवंबर के बाद। अब हम बेसमेंट में आ चुके हैं, यहाँ पर सभी तरह के फूड स्टॉल्स मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार मैं इनकी वो बना लूँ,
ग्लूकोज है यहाँ पर, और बर्गर किंग, काफ़ी रश भी हो गया है, डोमिनो भी है, KFC अभी मुझे देखना है, हल्दीराम भी है यहाँ पर। काफ़ी बड़ा फूड कोर्ट है, और वैसे तो रजौरी गार्डन का जो पैसिव मॉल है वो भी बहुत अच्छा है। किचन और शिकागो पिज़्ज़ा, बिरयानी की आइसक्रीम भी आपको मिलेगी यहाँ पर। अमृतसरी एक्सप्रेस KFC, ये मेरा फेवरेट है, KFC यहाँ पर भी है। सीटिंग कैपेसिटी आप देख ही रहे हो, सबवे भी है, आगे चल कर सबवे भी आएगा। हल्दीराम से होते हुए आप यहाँ से मेट्रो स्टेशन के लिए एग्जिट कर सकते हो, यहाँ से हल्दीराम से होते हुए। पार्किंग भी है यहाँ पर और मेट्रो का रास्ता यहाँ से है।